अच्छे से हो रहा है, शिकायत ही नहीं है। स्टाफ तो पूरा राउंड लगाता रहता है, कानपुर जा रहे, कहीं लखनऊ जा रहे, कहीं कहीं जा रहे, किसी के पास जाने के लिए सहायता है, किसी के पास नहीं है। तीन दिन करा रहे, महीने में हमारा भी काम करता है, उसको करा रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी है, एक ऐसे करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत व भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने जिला लोहिया अस्पताल में पहुंचकर ओपीडी का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएमएस डॉक्टर राजकुमार ने उनके कार्यालय में वार्ता की और वहां से वह जन औषधि केंद्र पहुंचे और फार्मासिस्ट अरविंद व आशीष कुमार से बात की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो दवा अस्पताल में नहीं है तो उनकी लोकल खरीदारी जन औषधि केंद्र से करें ताकि मरीज को कोई पैसा ना देना पड़े। इसके बाद उन्होंने सिटी स्कैन सेंटर पर जाकर केंद्र प्रभारी चंदन गौतम से भी जानकारी ली। सांसद ने सीटी स्कैन कराकर गए मरीज 16 वर्षीय मनोज कुमार, 16 वर्षीय रक्षा मिश्रा से फोन पर जानकारी ली, जिससे सांसद संतुष्ट नजर आए। इधर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें ठीक से उपचार नहीं दिया जा रहा है, इसके बेड पर चादर भी नहीं डाली गई। नेताओं को आया देखकर कर्मचारियों में हलचल मच गई। वहीं सांसद व जिलाध्यक्ष ने बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए। मामले पर सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि लोहिया अस्पताल का दौरा जो कमियां मिली है उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें आ रही थी, इसके लिए डीएम से वार्ता कर एक अधिकारी तैनात कराएंगे जो कि सुबह शाम जिला अस्पताल लोहिया का निरीक्षण करे और भर्ती मरीजों के उपचार के संबंध में जानकारी ले। वाइटल्स पेशेंट की लिखी जाती है और पेशेंट अटेंडेंट का सब कुछ लिखा रहता है सर। एक हर पेशेंट जो मैनुअल भी होना चाहिए। मैनुअल सर पहले ऐसा थोड़ी अनुबंध में मैनुअल का प्रावधान नहीं हुआ, जरूर होगा मैनुअल का। अभी मालूम करने आया, नेट ना काम कर रहे आपका, तो आप कैसे दिखा पाओगे? हाँ सर, लेकिन वो कुछ किसी कारण कर दिया। अगर मान लो नेट ना काम कर रहा होता आप कैसे दिखा सर? सभी यूनिटों सर बंद कर देगा, 30 यूनिट जो भी चल रही है में जहाँ जहाँ सब पे बंद कर देगा। अभी सारा सब चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी को कहीं भी बैठे अगर चाहिए तो वहाँ से डाटा निकाल सकता है। भैंस क्यों कर रहे यार? बोलिए सर, लीजिए जो चीज़ है वो है, वो चीज़ हम दिखा रहे हैं, हम सर को देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सर किसी पेशेंट में हो सकते कोई किसी को बिल्कुल परेशान दवाएं जो डायलिसिस की ड्यूटी में डॉक्टर साहब को कहा गया है कि जब भी ज़रूरत हो उनको तो अटेंड कर लीजिए, और डॉक्टर वही के हमारे यहाँ फिजिशियन और आए हैं तो उनके लिए कहा। अनियमितताएँ क्या क्या हैं? अनियमितता तो देखिए तो विवाद की स्थिति है, जो भी थी हमने नहीं पूरी मनमानी बेड बेड की संख्या और टाइमिंग को कुछ विवाद है। एजेंसी की मनमानी चल रही है। एजेंसी ने हमसे संपर्क किया है कि हमारे पास इतने बेड हैं, इस बेड में हम 3 बार डायलिसिस करेंगे, 8 से 2, 2 से 6 और 6 से 10। लेकिन हमने कहा हमारा हॉस्पिटल 8 बजे खुलता है और 4 बजे आप मान के चलिए कि कर्मचारी हो, तो ये कहते हम 6 बजे 7 बजे से करेंगे। अब 7 बजे किसी का पर्चा नहीं बन सकता,
और हमारा जो काउंटर पर्चा का है वो सुबह 8 से शाम के 8 तक खुला हुआ है। दूसरी इनकी क्या है, ये बीमार मरीज को यहाँ धकेलते हैं, जाओ जांच करा के आओ तभी डायलिसिस करेंगे। हमने इनसे कहा है आपके पास 12 स्टाफ है, आज इन्हें लिख के दिया है कंपनी ने, 12 स्टाफ में एक को नियुक्त कर दीजिए, वन के पेपर लेके कागज़ लेके जो भी जाँच हैं आप सैंपल ले लीजिए, यहाँ सीरम क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया हीमोग्लोबिन निःशुल्क होता है, ये भी बाहर से हो रहा है, हमारे स्टाफ से नहीं हो रहा है, ये जाँचें बाहर से। हमने कहा क्यों नहीं करें, हमारे यहाँ कह रहे साहब समय नहीं मिलता, दवाओं की उपलब्धता है क्या, क्या दवाओं की उपलब्धता है? देखिए दवाएं जो दवा डायलिसिस के दौरान मरीज सीरियस होता है उसको दवाएं लगाई जाती हैं, तो 10 में से एक मरीज मान के चलिए कि सीरियस होता है। हमने कहा जो दवाएं रिकमेंडेड हैं आपकी कंपनी द्वारा रिकमेंड की हैं उन दवाओं की आप 10% की दवा हमसे इंडेंट करके ले सकते, आप हमें मांग पत्र भेजेंगे हम आपको परचेज करके दे देंगे, इसके अलावा कोई आपको दवा नहीं मंगाएंगे, कह रहे साहब इंडेंट तो हम नहीं। इमरजेंसी में साहब बच्चे को रिफर करना पड़ रहा है, मासूम बच्चा भर्ती है, वो टांग काटने कह रहे हैं, क्या अपने पास व्यवस्था डॉक्टर नहीं है इस टाइप नहीं क्या? हमारे पास चूँकि ऑर्थोपेडिक सर्जन का ही है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज की टांग बच जाए, मरीज की टांग बचने के लिए उसे एक ट्रामा सेंटर कहीं या बहुत सघन ICU में भर्ती होना पड़ता है, एक बार उसमें गैंग्रीन हो गई तो टांग तो कोई भी काट देगा, तो उसका यही प्रयास था, लेकिन वो कल से भर्ती नहीं हुई, वो कह रही हम भर्ती नहीं कराएंगे आपको जो इलाज करना है ऐसी कर दी। दवाओं के लोकल परचेज की बात डिप्टी सीएम साहब भी कह गए थे, सांसद जी भी कह रहे हैं, अभी जो पर्याप्त नहीं है क्या व्यवस्था पर्याप्त है, बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने कहा है जो बजट 40 लाख का बजट हमारे लगभग आता है तो उसका 20% होता है, हाँ 20% आएगा 8 लाख, तो मैक्सिमम 8 लाख का इंडेंट 12 महीने में हो सकता है परचेज अपनी भेजी हुई है। हमने ED महोदय शाम को आई थी, हमने बताया भी कि अब हमारे पास एनएसएसआई कोई डॉक्टर नहीं है क्या करें, उन्होंने कहा CMO से आप बात करिए, वो आपके महिला अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट है उसको ऑन कॉल रख देंगे, जब आपको जरूरत है तब सर्जरी करा देंगे। सांसद जी आज पूरे लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या खामियां मिली और कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है? अस्पताल में किसी जगह देखो तो खामियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन उन खामियों को ठीक कराने के लिए हम बराबर अधिकारियों से भी निरंतर कहा है कि अधिकारी भी इसमें अपना निरीक्षण करते रहेंगे, CMS साहब से भी बात हुई और मैंने तो एक दिन DM साहब से भी कहा है कि इसमें किसी न किसी मजिस्ट्रेट का भी एक लगा दी कि शाम सुबह शाम किसी न किसी समय एक हमारा मजिस्ट्रेट भी एक नोडल अधिकारी टाइप से वो एक बार सुबह शाम निरीक्षण कर लें, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के माध्यम से ज्ञात होता रहता है कि आज ये कमी आज वो कमी, तो उन कमियों को मैं चाहता हूँ कि यहाँ जन समस्याएं जो भी पेशेंट हैं जो भी सरकार की मंशा है कि हम हर पेशेंट को निःशुल्क इलाज देंगे और दवाएं हैं उन्हें जो भी चाहे डायलिसिस है चाहे उनका CT स्कैन है हम निःशुल्क कराएंगे, तो उस पर किसी तरीके से उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए हर आदमी चाहता है कि काम ना करना पड़े, लेकिन हम वो सही निरीक्षण करने से ही देख के ही ठीक हो सकता है, तो इसलिए मैं देखा है और मैं बराबर आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं बराबर निरंतर हम भी इसमें महीना में कम से कम 2 बार आएंगे। एक लोहिया अस्पताल की जो हमेशा रहा है, आप लोगों ने सरकार इतना अच्छी सुविधाएं जनता को दे रही है, जनता भी खुश है, लेकिन बाढ़ खाली पड़े हैं, एक एक दो दो मरीज हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं रहे हैं। मैं बता रही हूँ अब मैं देखूंगा इसमें और जो लोगों को सुविधाएं सही माने में कहीं न कहीं उसे CMS साहब बता रहे हैं हम अस्वस्थ हो गए एक महीना नहीं रहे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ उसे दोबारा फुल पटरी बनाने का हम लोग प्रयास कर। आपके यहाँ दो हड्डी के सर्जन हैं और भी जनरल सर्जन भी आ गए हैं, आपके जो बेहोशी के डॉक्टर जो NSCCI वाले डॉक्टर वो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो आ जाएँ तो यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं, हम इस संबंध में भी उनसे बात करेंगे DM साहब।